हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आरवी एडिट्यूब क्लास में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ये क्वेश्चन क्लास 8 के क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। देखिए, हमें यहाँ पर आंसर में ये बताना है कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो ये पता करने के लिए सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि कौन कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है। तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि आपको क्यूब का जो टेबल है 1 to 20 तक लर्न कर लेना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, नहीं लर्न है तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, पर आप जरूर लर्न कर लीजिए। ठीक है, 1 cube, 1, 2 cube, 8, 3 cube, 27, 4 cube, 64, 5 cube, 125, 6 cube, 216, 7 cube, 343, 8 cube, 512, 9 cube, 729, 10 cube, 1000। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर हम 10 तक का क्यूब लेते हैं तो यहां से हमारे कुछ क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। पहला जो 216 है, ये जो होता है ये 6 का क्यूब होता है, मतलब ये एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, ये एक परफेक्ट क्यूब है। अब यहाँ पर 1000 की बात करते हैं तो 10 का क्यूब 1000 होता है, तो ये भी एक परफेक्ट क्यूब है। लेकिन क्या यहाँ पर क्यूब वाले साइड में, ये आपका क्यूब वाला साइड है, इधर कहीं पे 100 आया है क्या? नहीं, तो मतलब ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। 128 आया है क्या कहीं पर? नहीं, तो ये भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं, जिस किसी भी नंबर के आखिरी में जीरो हो और उसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना हो, तो ये जरूरी है कि उस नंबर के आखिरी में 3 जीरो आने चाहिए। जैसे कि 1000 में 1, 2, 3, यहां पर 3 जीरो आए हैं, जबकि यहां पर 2 जीरो आया है। तो हमेशा 3 3 के पेयर में जब जीरो होगा तभी वो क्यूब रूट होगा, अगर 3 से कम होगा तो क्यूब रूट नहीं होगा। तो जैसे 100 जो एक नंबर है इसमें 2 जीरो है, तो इसका कोई भी क्यूब रूट नहीं बन सकता है। ये आप ऐसे ही बता सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी कैसे होती है? अगर आप जीरो का स्क्वायर करते हो तो आपको 2 जीरो मिलेगा, अगर आप जीरो का क्यूब करते हो तो आपको 3 जीरो मिलेगा। कब? जब उसके आगे कोई नंबर होगा। तो यानी कि अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 मिलेगा, लेकिन अगर हम 10 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा? 1000 मिलेगा। जीरो का मतलब 3 जीरो। ठीक है, अब देखो यहां से तो साफ साफ ये 4 नंबर जो है वो आसानी से पता कर लिए जाते हैं। बात आती है इस नंबर की, इसको चेक करना है कि ये क्यूब है कि नहीं है, परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। सबसे पहले 2 से डिवीजन करना शुरू करेंगे, 2 2 4 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, 2 1 2 2 1 2 2 6 12 2 6 12 2 4 8, अगेन 2 से 2 5 10 2 8 16 2 3 6 2 2 4, फर्दर 2 से करते रहेंगे क्योंकि इवन डिजिट है आखिरी में, 2 4 2 9 18 2 1 2 2 6 12 2 1 2 2 4 8 2 5 10 2 8 16 2 7 14 2 2 4 2 9 18। अब ये देखिए, ये आखिरी में इवन डिजिट नहीं है तो ये 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कट जाएगा। सो 3 2 6 3 4 12 3 3 9 3 8 27 3 7 27 3 9 27 3 3 9 3 1 3। तो यहां से हम देखेंगे कि क्या जो नंबर है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में है या नहीं। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 सेम डिजिट का मल्टीपल। तो यहां पर हम यहां से चलेंगे ऐसे, देखिए 1 2 3, 2 जो है वो 3 बार आया, इनको हमने एक ग्रुप में कर दिया, और यहां भी 3 बार आया इसको एक ग्रुप में कर दिया, यहां भी 3 बार आया इसको एक ग्रुप में कर दिया, और यहां भी। यहां पर आप साफ साफ देख रहे हो कि ये ट्रिपलेट का फॉर्मेशन कर रहा है, 3 3 नंबर एक साथ मल्टीपल में आ रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली परफेक्ट क्यूब होगा। अगर हम क्यूब रूट की बात करेंगे तो क्या आएगा? देखो यहां से 2 निकलेगा, यहां से 2, यहां से 3 और यहां से 3, यानी कि 4 6 6 5 6,
का जो क्यूब रूट बनेगा वो बनेगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 9, 3 × 18 = 36। तो इसका जो क्यूब रूट आएगा वो आएगा 36। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है कि यहाँ पर आप क्यूब रूट बताइए। यहाँ पर हम ये हटा देते हैं, इसका हमें आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो लिख सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करने से हमें ये पता चल गया कि ये एक परफेक्ट क्यूब है। बताना क्या है? नॉट परफेक्ट क्यूब। क्या बताना है? नॉट परफेक्ट क्यूब। तो हम यहां पर बोलेंगे देयरफॉर सेकंड 128 एंड फोर्थ 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का। हमें बस ये बताना था कि कौन कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए।